आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज, में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सियासी सत्ता को लेकर सवालात कई सारे हैं कि आखिर शिंदे की सरकार कौन गिरा पाएगा। ये सवाल आज हम इसलिए खड़े किए हैं क्योंकि शिंदे सरकार गिराने निकले थे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे सब नाकाम रहे, सब कहीं ना कहीं सबके फैसले बिल्कुल ही नाकामयाब रहे। लेकिन बात आती है जब महिलाओं की, तो अगर वो कुछ ठान ले तो वो पूरा करके रहती हैं, और वही जोश जज्बा हमें रश्मि ठाकरे में नजर आता है। 2014 में जब सरकार बनाने की बात थी शिंदे फडणवीस और शिवसेना के द्वारा, यानी बीजेपी शिवसेना एक गठबंधन पर, तो रश्मि ठाकरे ने बड़ी भूमिका अदा करी थी। बात जब 2022 में विधायकों को वापसी बुलाने की थी तो एड़ी चोटी का जोड़ रश्मि ठाकरे ने लगा दिया था। बात जब शिंदे की सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने की थी तो रश्मि ठाकरे जो पर्दे के पीछे की भूमिका निभाती थी उनको सामने आना पड़ा था। अब बात रश्मि ठाकरे की है। रश्मि ठाकरे जिनके कहने से, खबरों के अनुसार, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है, उनके कहने से ही उद्धव ठाकरे सियासी घमासान में उतरे, यानी कि राजनीति में आए। उनको तब मुख्यमंत्री पद संभालना पड़ा क्योंकि कहां उद्धव ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही बनेगा, और आज उनके ही सुर बदल चुके हैं कि मुख्यमंत्री तो महाविकास अघाड़ी सरकार का ही बनेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं रश्मि ठाकरे का कहना था, ऐसा कई विधायकों ने अपनी बात रखी थी। उसके बाद सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री बनाने का सपना आदित्य ठाकरे को रश्मि ठाकरे ने देखा। अब जब सपने देखे हैं तो सपने पूरे भी करने होंगे, तो ऐसे में रश्मि ठाकरे बड़ी भूमिका निभाएंगी महाराष्ट्र की सत्ता में। और शिंदे सरकार गिराने के लिए उनकी अगली भूमिका ये रहेगी कि बीएमसी चुनाव में महिला संगठन के साथ साथ तमाम बड़े विधायकों को और मंत्रियों को साथ लाने के लिए एक उम्मीद जगाई जाए, क्योंकि जो उम्मीद उद्धव ठाकरे ने तोड़ी है वो उम्मीद रश्मि ठाकरे जगा सकती हैं अपने ऐलान से। अभी तक तो पर्दे के पीछे की भूमिका निभाई, लेकिन अब पर्दे के सामने आकर असली खेल दिखाना होगा और राजनीति के इस खेल में बाजी मारनी होगी। और अगर ये सब होता है तो शाबाशी तो शरद पवार जोड़ देंगे रश्मि ठाकरे को, लेकिन रश्मि ठाकरे को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। शिवसेना की पहली बड़ी महिला एक नेता बन के उभरी थी, भले ही उनको किसी पद पर आगे नहीं किया गया, लेकिन शिवसेना में पहली महिला थी, ऐसी बात यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये उनकी काबिलियत थी। शिंदे भी उनका सम्मान करते हैं, बागी विधायक भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मातोश्री परिवार के खिलाफ भी नहीं है और उद्धव ठाकरे के साथ भी नहीं है सभी विधायक। तो मुसीबत यहाँ पर है। रश्मि की नज़र कहीं ना कहीं अभी शिंदे की सीएम कुर्सी पर है कि कैसे वहाँ पर हलचल पैदा की जाए। आप देखे थे संजय राउत जेल की सलाखों के बाहर आए तो स्वागत रश्मि ठाकरे ने किया। आप देखे थे अगर कोई बड़ा पदाधिकारी नेता शामिल होता है, कोई नेता शामिल होता है, कोई गठबंधन शामिल होता है, तो वहाँ मंच पर रश्मि ठाकरे भी मौजूद रहती हैं। तो रश्मि ठाकरे एक बार फिर से सियासी रणनीतियों के बीच एक्टिव हो चुकी हैं और यही एक्टिवनेस पूरी इनकी नज़र आ रही है कहीं ना कहीं जनता के बीच, और देखते हैं कैसे सियासी खेल और सियासी पारा एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ाती नज़र आती हैं। और जब सियासी पारा बढ़ेगा तो सियासी पारे के बीच कैसे बड़ी उथल पुथल मचेगी, कैसे यहाँ पर तमाम ऐलानबाजियाँ होंगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो लगातार रात चौगुनी दिन दोगुनी तरीके से तरक्की किए जा रहे हैं, क्या उनकी सरकार कोई गिरा पाएगा? क्या उनकी सरकार पर आँच भी आ पाएगी? क्योंकि अभी तक तो बहुत कह सकते हैं अव्वल दर्जे का उन्होंने काम किया, कोई यहाँ पर एक उन पर सवाल भी नहीं खड़े कर सकता, तो उस तरीके का काम काज है। लेकिन रश्मि ठाकरे अगर आगे आती हैं तो किन रणनीतियों के साथ आएंगी? फ्रेश माइंड के साथ आएंगी, फ्रेश चेहरा होगा, लोग उन्हें पसंद करेंगे, लोग उनको सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, उनकी बातों को सराहना चाहेंगे। लेकिन क्या वो शिंदे को फंसा पाएंगी अपनी बातों में, अपने यहाँ पर चलाकियों के राजनीतिक दाव पेचों में, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन पहला सवाल तो यही है, क्या रश्मि ठाकरे खुले तौर पर सामने आएंगी या नहीं? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जोर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।